हेलो फ्रेंड्स, जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स को लेकर के, उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं इस कंफ्यूजन से रिलेटेड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई थी बिल पास के रिगार्डिंग, की ये जो बिल आया है जिसमें काफ़ी सारी डेट्स जो है मेंशन की गई है, बिल टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2020, इसमें काफ़ी सारी डेट्स की बात की गई है, इनकम टैक्स की जो डेट्स हैं, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स ऑडिट की डेट्स को लेकर के। तो जो कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ दोस्तों, जो कंफ्यूजन है वो रिलेटेड है हमारी इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंप्लायंस रिलेट टू फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट्स है उसकी बात ये कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो गया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट है वो 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई इससे रिलेटेड अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कोई क्लैरिफिकेशन आई है। साथ ही जो बिल को लेकर के कंफ्यूजन हो गई है कि बिल में ये डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है, तो बिल में भी कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। यहाँ पे ओरिजिनल डेट्स की ही बात की गई है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको रिपीट किया था कि जो भी फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी डेट को जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि उसकी डेट क्या है, ITR फाइलिंग की 30 सितंबर 2020। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेट्स थी इनकम टैक्स में जिनको एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक, बट यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन हैव इफेक्ट दैट इफ फॉर द फिगर लेटर वर्ड्स 31 मार्च 2021 द फिगर लेटर वर्ड्स 30 सितंबर हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट किए गए हैं वर्ड्स 30 सितंबर 2020, जो हमारी अभी तक की डेट है। उसी के साथ साथ जो हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है 30 नवंबर 2020, यानी कि हमारी जो अभी तक की डेट है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की वो 30 नवंबर 2020 है। तो किसी तरह की कोई भी एक्सटेंशन की बात नहीं हुई है। मैं फर्दर इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो डेट्स हैं वो कब एक्सटेंड होंगी, ये बिल कब पास होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वो जो ओरिजिनल डेट्स हैं, जो डेट्स सब्स्टिट्यूट हुई हैं, केवल उन्हीं की बात की गई है, जो मैंने रिपीट भी किया था कि जो सब्स्टिट्यूट हुई हैं 30 सितंबर 2020 एंड 30 नवंबर 2020। तो अभी तक किसी भी तरह की कोई भी एक्सटेंशन की बात कहीं भी नहीं की गई है, इस बिल में भी नहीं की गई है, और कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन भी नहीं आई है डेट एक्सटेंशन को लेकर के। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हालांकि हमारी FM श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को की गई है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी किए गए हैं, बट अभी तक कोई अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड नहीं हुई है।